अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो भी कहा सब झूठे। राजधानी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया था, रोने की थी। माँ को सौंप, कुछ ने सही कर। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के। कसम से मैं तो सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि राजन आंटी जी की एक चाल से तेज और दीदी अलग हो जाएंगे। उनके बीच में दरार है, जिसको दरार भी ऐसी जो इस जन्म में तो करना मुश्किल है। अब मुझे बस एक काम करना है, इस दरार को गहरा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर इस लड्डू की तरह तेज और ये घर हाथों में। मॉम, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। मॉम क्या बचपन है ये। मॉम आप अपने तेज की बात नहीं सुनेंगे, एक बार दरवाजा खोलिए, आराम से बैठ कर बात करते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वो सुनूंगा, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। आप प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मॉम आंटी जी, आंटी जी, तेज मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है, मैंने कभी आंटी जी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। तुम टेंशन मत लो। आंटी जी दरवाजा खोलिए। मुझे आपको होश आ गया ना, मैं अभी जाकर सबको बता कर आती। मॉम प्लीज ओपन द डोर। आंटी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम वैसे दालचीनी आज के तमाशे के बाद उम्मीद है कि तेरी आंखें खुल गई होंगी, कि तेरा प्यार, तेरी प्रार्थना, तेरी तपस्या सब फेल है राजरानी के सामने। तू मेरा सच अगर तेज के सामने ले भी आई, तब भी मेरे पास 9 और चेहरे बाकी हैं तेज के लिए। और इतना तो मैं जानती हूं कि तेरे पास इतनी ताकत कभी नहीं आएगी कि तू इस 10 सर वाले रावण का वध कर सके। मॉम, मॉम मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो ना। मॉम मुझे माफ कर दे पुत्र, डर गई थी मैं, राजरानी से हम कभी नहीं जीत सकते। मैं मजबूर हो गई थी तेरे खिलाफ बोलने के लिए। जी, आप ऐसे मुझसे माफी मांगे ही ना तो मुझ पर पाप चढ़ जाएगा, और मैं जानती थी कि मम्मी जी ने जरूर आपको ना मजबूर किया होगा, वरना आप मेरे खिलाफ थोड़ी जाती। इतना भरोसा है तुझे मुझ पे, इतना कुछ होने के बावजूद भी किस्मत की बनी है रे तू। तेरी बीजी के दिल में तेरे लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। आप ये तो बताइए कि मम्मी जी ने आपको क्या कहकर धमकाया था। खबरदार जो अपना मुंह खोला, तेरे मुंह खोलने की सजा तेरा परिवार भुगतेगा। सबको मार दूंगी, तेरे पोतों को भी खत्म कर दूंगी।
मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मम्मी जी ने ना खोखली धमकी दी है आपको। मम्मी जी ने चाहे जितनी बुरी हो पर तेज सर जी के लिए वो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। उसकी ममता पर भी भरोसा मत करना कभी। शैतान है वो और शैतान के लिए कोई रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता। आप घबराइए मत दीजिए, मुझे और ना ही तेज सर जी को कुछ भी नहीं होगा। पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मम्मी जी का पर्दाफाश करना ही होगा। आई प्रॉमिस यू, दालचीनी ने जो भी किया है ना उसको उसके केक की सजा जरूर मिलेगी। आप जो कहेंगी ना, जैसा कहेंगी वो वैसा करेगी। आपके सामने आकर मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। आप एक बार दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ आंटी जी, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। भले वो मेरी सगी बहन है लेकिन उसने जो भी कुछ किया वो गलत है। इस घर ने, तेज ने, आपने उसे क्या कुछ नहीं दिया और फिर भी वो आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। आंटी जी, आंटी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। वहाँ मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ अभी। यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ चली गई मोहम? तेज, तुम प्लीज फिक्र मत करो, तुम्हारी मोम बहुत स्ट्रांग है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। पर तुम भी समझो ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन पर, इतनी बेइज्जती हुई है, उन्हें थोड़ा तो वक्त चाहिए होगा ना अकेले। तेज, तुम अकेले नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें प्यार से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम्हारा दिल कैसे टूटा होगा, कि मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। तेज सर जी, आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि पीजी को होश आ गया। तेज सर जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हाँ मिस्टर सिंह। मम्मी जी आंखें खोली। मम्मी जी, मम्मी जी, आजा आजा। क्या किया है तूने इन सब लोगों के साथ? मार डाला। तूने सबको मार डाला? क्योंकि ये सब उसी काबिल थे। What? तो बताओ पवन जी, कैसे बचाओगी खुद को? ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। दीदी, मुझे ना बहुत फिक्र हो रही थी तेज की, कितना परेशान था वो, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा दर्द बांट लूं उसके साथ। वैसे मुझे फिक्र ना तो एक और बात की हो रही है, आंटी जी की। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। दीदी, भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं, तो मेरी बहन की जिंदगी से तेज हमेशा हमेशा के लिए बाहर। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, टेंशन मत ले, मैं ढूंढती हूँ आंटी जी को। आप वहां क्या
क्या कर रही है मम्मी जी? तू मेरे बेटे के सामने मेरा खुलासा करने जा रही थी ना, और उसके दिल में नफरत के बीज बोने जा रही थी, वो भी मेरे अगेंस्ट। तो चल आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि किसी के दिल में नफरत के बीज कैसे बोए जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो बीज मेरे अगेंस्ट नहीं होंगे, वो तेरे अगेंस्ट होंगे। ये देख। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? आप दूर हटिए उसे। अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके मैं आउट, और सारा ब्लेम तुझ पर जाएगा। और दालचीनी, ये नजारा तो सिर्फ तेज की आंखों के लिए है, क्योंकि कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचता होगा। उसकी ममता पर भी भरोसा मत करना कभी, शैतान है वो। तेज सर जी वहां क्यों आएंगे? क्या कहकर बुलाया आपने उन्हें? बेटा पता नहीं क्यों दालचीनी ने मुझे यहाँ पर अकेले बुलाया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगी? नहीं, नहीं, नहीं। मैं मरना नहीं चाहती बेटा, मुझे बचा ले बेटा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे दालचीनी से बचा ले बेटा। ये बोलकर बुलाया मैंने उसे। अब देख तेज इतनी दूर से आ रहा है मेरे पास, तो तमाशा और धमाका दोनों ही बड़े होने चाहिए। जब ये बॉम्ब फूटेगा ना, तो मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, लेकिन साथ में तेरे तेज सर भी मर जाएंगे। और अगर वो बच गया तो हो सकता है कि वो नफरत के मारे तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। कैसे कर सकती हैं आप ऐसे मम्मी जी? मम्मी जी, मम्मी जी रुकिए, ये गलत साबित करने के लिए इस हद तक चली जाएंगी आप, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। साथ साथ टीचर जी की जान भी खतरे में डाल रही है। नहीं, मुझे रोकना होगा, रोकना होगा। टीचर जी फोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात करना बहुत जरूरी है टीचर जी। मम्मी जी, पता नहीं फिर मम्मी जी टीचर जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मामी जी! नहीं, नहीं, नहीं। माम! टीचर जी! माम! अब यहाँ क्या कर रहे हैं टीचर जी? मैं आपको कितने फोन कर रही थी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आपको नहीं जा सकते, आप यहीं रुकिए, आप उनके पास। टीचर जी, हो क्या गया दालचीनी तुम्हें? अब क्या मॉम की जान लेना चाहती हो तुम? मॉम पहचानता ही नहीं था, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मॉम से? मम्मी जी से, मम्मी जी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही है। इन्होंने मुझे फोन किया था, इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने वो बॉम्ब वाली जैकेट पहनी है। इस हद तक पहुंच गई यहाँ पर कि अपने साथ साथ अपने बेटे की भी जान की परवाह नहीं कर रही है ये। तुम जो बोल रही हो वो समझ में आ रहा है तुम्हें? जो मुंह में आया बोले जा रही हो? कौन कोई टेररिस्ट है क्या जो बॉम्ब वाली जैकेट पहनेंगे? कह रही हूँ ना, आप दूर हटिए उससे। उन्होंने पहना है, उन्होंने खुद दिखाया है मुझे। कौन से जैकेट की बात कर रही हो? कहाँ है जैकेट? ये दुपट्टे के नीचे होगा जैकेट, मैंने खुद देखा है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई जैकेट नहीं पहना है तेज, कोई जैकेट नहीं पहना है। ठीक, दालचीनी की तसल्ली के लिए मैं
आज नहीं तो कल बीजी और दालचीनी मिलकर तेज के सामने सच लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अब राजानी तुझे कुछ ऐसा फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा कि ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर के लिए भी तेज दालचीनी की बात पर भरोसा ही ना करे। ये वो लड़की है जिसे मैंने दिल से अपनी बेटी माना, और ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला बदले में? मेरे बेटे को तू मुझसे दूर करना चाहती है। हे भगवान, इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा। झूठ बोल रही है, ये सब ढोंग कर रही है। इन्होंने मुझे खुद फोन करके बताया था। क्या कह रही है तू? कहाँ जाके ये सब नाटक कर रही है? चुप हो जाओ दाचे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे आपकी जान की परवाह है सर जी। मैं बस दाचेरी, बस प्लीज। एक बार फिर तुमने आज सारी हदें पार कर दी है यहाँ पर। दालचीनी, मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आई लव यू दालचीनी। आई लव यू। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है सर जी, जो ऐसे ही टूट जाएगा। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हैं तो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, पर आप शांत रहिए। कोई बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा हूं मैं, सब कुछ होश में कह रहा हूं। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो, मुझे आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझी? लो, हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है। गलत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज, मुझे तो आंटी जी ने यहाँ बुलाया था, वो ठीक नहीं है। उन्हें शायद मुझसे अपने दिल की कुछ बातें करनी थी, लेकिन हम कुछ बात कर पाते इसके पहले हमेशा की तरह दीदी ने आकर यहाँ पहले ही तमाशा क्रिएट कर दिया। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं। भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं आई तो। सर जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मुझे अपना पति कहने का हक तुम खो चुके हो दालचीनी। सोच लीजिए आंटी जी, हम दोनों के बीच में इससे बेहतर सौदा नहीं हो सकता। मेरी मदद से आप दीदी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, तेज की जिंदगी से, आपकी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हैं, और इस घर में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपका राज होगा। बदले में मुझे सिर्फ तेज चाहिए। दीपक का क्या? आंटी जी, हर चलते हुए दीपक को ना एक ना एक दिन बुझना ही होता है। कहने का हक तुम खो चुके हो दालचीनी। दालचीनी, मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है।
पुत्र अपनी बेटी की एक बात मानेगी और कर राजरानी का सामना तो बहुत अच्छी है और तेरी अच्छाई उसके अंदर के शैतान से जीत नहीं पाएगी। राजरानी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक तुझसे तेज को अलग न कर दे। मैं जानती हूँ बीजी कि ये जंग बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन बीजी हार के डर से अगर हथियार डालने ही थे तो फिर माता रानी पर इतना विश्वास करने का क्या फायदा। और बीजी ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मम्मी जी तेजसर जी के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो जंग शुरू हो चुकी है बीजी, अब चाहे इस जंग में जितने घाव क्यों ना लग जाए, चाहे जितना खून क्यों ना बहे, पर मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये जंग जीत नहीं जाती। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने प्यार के लिए मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। जंग की पहली हार मुबारक हो। अब मैं तेज को इतना मजबूर कर दूंगी और ऐसी कगार पे लाकर खड़ा कर दूंगी कि उसे जन्म देने वाली माँ और अनपढ़ कंवार बीवी के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बीजी, तेजसर जी की आंखों पर जो मम्मी जी ने झूठी ममता की पट्टी बांधी है ना, उसे उतारना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रहने दे सकती। एक ना एक दिन मम्मी जी का असली चेहरा मैं तेजसर जी के सामने लाकर रहूंगी। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ दालचीनी, वो दिन दूर नहीं जब तेज तुझे ना सिर्फ अपने दिल और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, और ये मेरा वादा है।